Krishnaya Krishna Pattaya Tadvuktaya Namanam Vanchakal Pradurvasya Dipasir Nivayasya Patitanam Pavadipo Vishnirudho Namanam Vrindaya Tulati Devtaya Priyaya Vishnavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Sattavataya Namanam Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Priya Advaita Gadadhara Srivastava Gaurabhakta Vrindavala Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Vrishnu Vishnu Pada Shishimad Bhakti Vedanta Sarila Narayana Goswami Maharaj Ki Charna Me Shraddha Puspanjali Arpan Karta Hum Upasthit Vaishnava Vaishnavi Sabhi Ka Jathaju Ke Pranam Karta Hum Hare Krishna Pahle Hum Log Shravan Kar Rahe The Tate Mali Jatna Kari Kare Avaran Aparadh Hastira Jaiche Na Hai Uddam Isliye Pahle Hum Shravan Kar Rahe The Gurudev Ne Hriday Me जो भक्ति लता रूपी बीज दिया अब यो बीज को क्या करनी चाहिए धीरे 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 जैसे वो बढ़ता है हां कहते बढ़ता तो है लेकिन साधक को सावधानी रहनी चाहिए क्या सावधानी रहनी चाहिए जैसे कोई अपराध नहीं बन जाए इसलिए 10 तरह का नाम अपराध है 32 तरह का सेवा अपराध है इसलिए अपराध का प्रति हमें सावधानी चाहिए सावधानी चाहिए नहीं तो क्या होगा जैसे कल सुन रहे थे ना मतलब भक्ति लता जो बीज है मेरे लिए खत्म हो जाएगा और सबसे बड़ा अपराध क्या बताया वैष्णव का असम्मान वैष्णव का निंदा और वैष्णव अपराध सबसे बड़ा खतरा है इसलिए इससे हमें सावधान रहना चाहिए आप देखे होंगे जैसे आप बीज लगाओ जरा ना और भी कुछ कुछ आगाछा निकल आती दूसरे पेड़ निकल आते खेती किया है कभी आप देखना दूसरे 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 हैं जहां लगाते हैं मेन जो वृक्ष और भी दूसरे दूसरे पेड़ पौधा निकल आता है कभी कभी ऐसे लगता है जैसे धान का वहां पर का सामा घास होता है सामा चावल होता है आप देखना जो मूल जो धान का जो वृक्ष है उससे भी वो ज्यादा सुंदर होता है लेकिन जो सही किसान है ना उसको पता है वो असली वृक्ष कौन और नकली वृक्ष कौन लेकिन कभी कभी नकली वृक्ष ही लगता है असली वृक्ष से भी श्रेष्ठ लगता है लेकिन जो जानता है ना वो क्या करता है वो जो नकली वृक्ष को उखाड़ देता है नहीं तो क्या होगा जो जो मूल जो वृक्ष को जो रस मिलनी चाहिए नहीं मिलेगा वो रस क्या करेगा दूसरा वृक्ष उसको ले लेगा रस उसको दबा देगा दबा करके हर जो जो मेन वृक्ष है वो बात खत्म हो जाएगी इसलिए यहाँ पर कहते भैया वो क्या क्या चीज है जो कि मेन वृक्ष को जो मूल वृक्ष को हाँ बंद कर देता है कहते ये मूल वृक्ष को ये कौन बंद कर देता है तब यहाँ पर कहते हैं किंतु यदि लतार संगे उठे उपशाखा भुक्ति मुक्ति बांछा जत असंतार लेखा निषिधाचार कुटिनाटी जीव हिंसन लाभ पूजा प्रतिष्ठा की जत उपशाखा गण कहते तो क्या कितना क्या क्या चीज है तो
जैसे लगता है वृक्ष लेकिन सही वृक्ष नहीं, उसको फेंक देनी चाहिए। हाँ? कहते ये भुक्ति, भुक्ति मतलब होता है भोग की वासना। जब तक ये दुनिया में रहेंगे तब तक क्या करेंगे, बढ़िया खाएंगे, बढ़िया पिएंगे, बढ़िया घर बनाएंगे, बढ़िया नौकरी करेंगे, पैसा रुपया कमाएंगे और भोग करते करते जीवन को ऐसे बिताएंगे। हैं? इसलिए भक्ति करते समय क्या होता है, हैं? कहते ये क्लेशग्नि सुभदा, कहते पहले तो सारे दुखों का सदूर हो जाता है और सुभदा मतलब होता है उसमें कल्याण कल्याण मंगल मंगलमय होता है, सारा दुनिया में उसको जय जयकार होने लग जाता है। हाँ, सारा दुनिया जय जयकार करने लग जाता है। थोड़ी सी अगर बैठ करके बढ़िया करके हरिनाम करो, भजन करना, हाँ भक्ति करना, अब कथा करना, सारा दुनिया ना अरे बाबा ही बड़ा संकट देखो, केवल फलाहारी करते हैं और कुछ नहीं खाते, देखो थोड़े दूध ही थोड़ी सी पी लेते हैं और दिन रात भगवान की भजन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, थोड़ी सी एकदम एकनिष्ठ होकर थोड़ा भजन करना शुरू करना कुम्बाला, देखना साधारण जो लोग हैं ना बाबा रे माता के चरण छूने लग जाएंगे, प्रणाम करने लग जाएंगे, प्रणाम देने लग जाएंगे, हाँ तुमको फल फूल देने लग जाएंगे। अभी जो साधारण जो व्यक्ति है इसको देख करके तो बोले बाबा रे अब तुम्हें बहुत प्रसाद हो गया, नहीं तो इतने लोग हमको इज्जत क्यों करते, इतना लोग हमें प्रतिष्ठा क्यों देते, अगर उसमें अगर डूब गए फिर तो गया, उसे फिर गया है, फिर वो भक्ति लता क्या होगा, धीरे 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 ऊपर में वो बढ़ेगा नहीं। इसलिए हमारे संप्रदाय में श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज और श्री गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज वो बड़े संत थे, बहुत बड़े थे, वो जो बाबा है ना, जो दो बाबा है वो जो बैठे हैं वो बाबा, वो बाबा हैं जब भजन करते थे। अभी दुनिया में इनका 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 जगत में बड़ा प्रशंसा गया, भैया एक बड़े सिद्ध महात्मा है, ये बड़े सिद्ध महात्मा है, हैं? अभी अगर हमारे भारत में किसी को पता चल जाए बड़े सिद्ध महात्मा जिसको सर पर हाथ रखते हैं बस उसका कल्याण हो जाता है, जिसको जो बोलते हो जाते हैं ना, इतने लोग भीड़ हो जाएंगे, इतने लोग भीड़ हो जाएंगे ना, बिल्कुल उनको भजन करने नहीं देंगे, बाबा हमारा हाथ देख लो, बाबा बता दो बेटा का नौकरी कब लगेगा, बेटी की शादी नहीं हो रही, सारा दुनिया तुम्हारी पीछे लग जाएंगे। इसलिए वो बाबा क्या करते थे, लोग हमें तंग नहीं करे, मछली का कांटा होता है ना वो चार तरफ में जहाँ भजन करते चार तरफ में बिखरा कर रखते थे, लोगों को ये पता चले मैं मछली खाने वाला हुआ है, इसलिए हमारे पास में कोई है ही नहीं। और वो जो बाबा वो क्या करते थे, वो पायखाना को अंदर में है पायखाना जो पुराना जो पायखाना है उसको दरवाजा बंद करके उसको अंदर में बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर कोई जा करके दरवाजा खटखटाए करते थे ना, हाँ खटखटाए करते थे, बोलते थे हमारा शरीर बड़ा दर्द है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, मैं दरवाजा खोल नहीं सकता हूँ, ऐसे ऐसे बोलते थे, हाँ वो ऐसे ऐसे सबके लिए दरवाजा नहीं खोलते थे। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब गए और बोले गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज दरवाजा खोल दो, पहले तो बोले हम उठ नहीं पा रहा हूँ, शरीर में दर्द है, हम उठा नहीं जा रहे, लेकिन जब बोले हम श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का चरण आश्रित आश्रित हम भक्त हैं, जब सुने प्रभुपाद का चरण आश्रित फिर दरवाजा खोले, उनको पता चला वैष्णव आए, ये तंग करने के लिए नहीं आए, हमारे बेटा का शादी हो जाए नौकरी लग जाए, उसको पता चला ये भक्ति करने वाले। फिर भक्त अगर कोई आए फिर क्या होता है, हरिचर्चा होती है, हाँ भगवत कथा होती है, उसमें तो आनंद आनंद है। इसलिए बोले वैष्णव संगत मान आनंद तो अनुकन सदा है कृष्ण पर संग है, इसलिए वैष्णव संग में तो आनंद है, हरि कीर्तन हरि कथा हरि चर्चा आनंद इसी में ही है वैष्णव, फिर दरवाजा खोलते। इसलिए जब आप थोड़ी थोड़ी सही भक्ति करना शुरू कर दो ना, थोड़ी सी सारा दुनिया में तुम्हारी प्रतिष्ठा इज्जत मान सारा दुनिया में बिखर जाएगा, अरे अमुक बाबा सिद्ध महात्मा हैं, बहुत बड़े संत हैं। इसलिए हमारे श्री
माधवेंद्रपुरी हैं, जब खीर चुरा गोपीनाथ, गोपीनाथ ने इनके लिए जब खीर चोरी किया ना, जब खीर चोरी किया उन्हें रात रात वहां से भाग गए। बोले क्यों, सवेरे होते ही अगर पता चलेगा लोगों को मेरे लिए ठाकुर जी खीर चोरी किए, सारा दुनिया तो मेरे भीड़ हो जाएगी, पर जो मैं भजन करता हूँ ना ये भजन करने नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, रात रात ही भाग गए वहाँ से, हैं वहाँ से भाग गए। लेकिन जो साधारण जो जीव होते हैं ना, उसी में ही फंस जाते, फिर उसको आगे और वो बढ़ नहीं पाते। इसलिए यहाँ पर श्री महाप्रभु, इसको कौन बोल रहे हैं, श्री महाप्रभु बोल रहे हैं, जो शुद्ध रूप में भक्ति करना चाहते हैं, ये इज्जत मान प्रतिष्ठा आने पर भी इसमें ध्यान मत दो, उसमें फंस मत जाओ। अगर उसमें फंस ही गए ना, फिर तुम आगे और बढ़ नहीं पाओगे, वहीं पर ही रह जाओगे। इसलिए सावधान रहना है। इसलिए जो दूसरे दूसरे पेड़ को क्या करो, उखाड़ करके उसको फेंक दो। इसलिए कहते हैं भुक्ति और मुक्ति। मुक्ति मतलब है, मुक्ति मतलब क्या होता है, हमें मोक्ष मिल जाए। इसलिए ये ज्ञानियों का मुक्ति है कि जब तक ये संसार में रहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदि दैवी आदि भौतिक ये सब कष्ट जगत में भोगना ही पड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। क्या हो, बात न रहेगा, बात न बजेगी बंसुरी। क्या करो, अपना सत्ता को ब्रह्म ज्योति में लेकर उसको लीन कर दो। लीन कर देगा तो क्या होगा, बस फिर जन्म ही नहीं होगा, ये जगत में जन्म ही नहीं होगा। इसलिए कभी कभी जीव इसमें भी फंस जाता है, इसमें भी फंस जाता है। लेकिन अगर इसमें फंस जाओगे ना, फिर तो भगवान की जो भक्ति का जो आनंद नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए बोले भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाच जावत हृदय वर्तते हैं तावत कृष्ण भक्ति सुखस्य कथम अद्भुत है वर्त। जब तक तुम्हारे हृदय में हैं ये भुक्ति मुक्ति की इच्छा है, कहते भक्ति तुम्हारे हृदय में प्रकट नहीं होगा। क्यों, मुक्ति में उसमें बुराई क्या है, जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, बाद संसार से मुक्त होकर ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाओ, और उसमें बुराई क्या। बोले बुराई ये है, जो जीव है ना, कहते जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदार, हम भगवान का नित्य सेवक है। हमारा क्या धर्म है, भगवान की सेवा करना। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, जिन हनुमान जी का तो मैं सेवक हूँ, रघुपति मेरे पति है, इसलिए इनकी सेवा करना हमारी धर्म। लेकिन मुक्ति में क्या होता है, भगवान की सेवा का बात की चिंता नहीं करते हैं, वो अपना स्वार्थ को देखते हैं, अपना स्वार्थ से चीज देखते हैं। मुक्ति मिल जाएगी तो बस ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे, ठाकुर का सेवा पास कोई मतलब नहीं। भगवान तो निराकार निर्विशेष रूप नहीं गुण नहीं, वो तो निर्लिप्त है। तो ये सबसे बड़ा कपड़ा था मानी गई है, इसलिए सबसे बड़ा कपड़ा यही है। क्यों, जीव का धर्म कृष्ण का नित्य दास, तो अपना धर्म छोड़ करके भगवान की सेवा छोड़ करके अपना स्वार्थ को सोचते हो। इसलिए भक्त लोग कहते प्रभु कीट जन्म हो प्रभु जथा तुआ दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं आज। अगर क्रिय जन्म क्यों नहीं हो जाए, जैसे तुम्हारा सेवक बन करके तुम्हारी सेवा कर पाओ। इसलिए अगर ब्रह्म पद भी मिल जाए, अगर बहिर्मुख भगवान से होकर के हमें ब्रह्म पद भी नहीं चाहिए। इसलिए भुक्ति मुक्ति को बताया किया पिशाची। पिशाच मतलब क्या है, हैं पिशाच जैसे खून चूसता है, खून चूसता है, ऐसे ही भुक्ति मुक्ति हमारे जीवन को सर्वनाश कर देंगे। इसलिए हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए। कहते ये इसको त्याग देना पड़ेगा। कहते हैं और भी बहुत सारी उपसखा है। बोले वो क्या किया है, कहते निषिधाचार। बोले निषिधाचार मतलब क्या, बोले जो भक्त भक्ति की जो प्रतिकूल वस्तु है, जो काम करने से भक्ति तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। बोले वो क्या है, जहाँ पर कली का निवास है, दुतम जुआ मत खेला कर, जुआ खेलने से क्या होगा, सत्य तुम्हारी नष्ट हो जाएगा। पानम किसी तरह का नशीली वस्तु ग्रहण मत करो, पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब चाय, चाय भी नहीं पीनी चाहिए। इसलिए इस सारी नस्ली वस्तुओं को त्याग दो, नस्ली वस्तुओं को। दूतम पानम चौथा नंबर है, इसको करने से तपस्या नष्ट हो जाएगा। स्त्रियम है,
स्त्रियों में कली काली का बोले कौन सा स्त्रियों में जो स्त्रियां साधी के बगैर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड करके घूमते हैं नहीं संसार कर तो अपना पति को साथ में घर गृहस्थी धर्म को साथ में पत्नी को साथ में अपना संसार बैठा नहीं तो वहां पर तुम्हारी पवित्रता नष्ट हो जाएगी। चौथा है जीव हिंसा। जीव हिंसा में मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडा मत खाओ, प्याज लहसुन भी मत खाओ। इसलिए इस सब चीज को त्याग देनी चाहिए। और क्या है असत संग कहते हैं वैष्णव आचार क्या है असत संग त्याग ऐ वैष्णव आचार स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण अवक्ता है। इसलिए असत संग त्याग ऐ वैष्णव आचार वैष्णव का जो आचार है असत संग को त्याग देनी चाहिए। को तो असत संग क्या बोले दो है बोले एक है जो भगवान के भजन नहीं करते हैं उनका संग मत करो उनको साथ में मत बैठा दो क्योंकि उनको साथ में बैठोगे तो दुनियादारी उल्टा पुल्टा सब बात सारा दुनिया की भगवान के भजन छोड़ करके सारी बात करेंगे उसने ऐसे किया उसको ये हो गया था वो ये हो रहा था केवल हमारे समय नष्ट है। इसलिए क्या करो साधु संग करो ऐसे संगत में बैठो जिस संगत में बैठने पर हमारी हरी चर्चा सुनने को मिलेगी भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं मत्कथा मद्गता चिंता बधयन्ति परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुसन्ति च रमन्ति च। मेरे भक्तों का लक्षण भगवान कहते हैं मत्कथा आपस में चर्चा करेंगे तो मेरी कथा ही मद्गता चिंता चिंतन करेंगे तो मेरे ही चिंतन करेंगे हैं बधयन्ति परस्परम आपस आपस में करेंगे तो हरी चर्चा करेंगे तुसन्ति च रमन्ति च इसी में ही उनका संतुष्ट है उसी में ही रमे रहे यही उनका जीवन है। इसलिए असत संग त्याग और एक तो क्या हो गया जो कृष्ण अभक्त दूसरा बोले स्त्री संगिया है स्त्री संग जो करता है मतलब उसमें जो एकदम बसी होते हैं है उसमें जो संपूर्ण वही जो बोलते हैं वही करते हैं तो कहते स्त्री संग से भी उसका सब संगी का संग वो ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वही बोल बोल करके उत्साहित करके तुमको संसार में फंसा देगा। इसलिए कहते ऐसे व्यक्ति का संग नहीं करो जो आपस आपस में ग्राम में चर्चा उल्टा पुल्टा चर्चा करके उसका संग में त्याग देनी चाहिए। और फुटी नाटी को मतलब खराब है ना इसलिए फुटी नाटी ये सब त्याग देनी चाहिए। मतलब फुटी नाटी क्या है जानते हैं आपको कहना आदमी बड़े फुटी आदमी बड़े छल प्रपंच है बड़े कुटी नाटी है इसलिए वो संग त्याग देनी चाहिए। कपट ही है मतलब ऊपर से दिखाते हैं हम एक है लेकिन वो अंदर में और एक है लेकिन वो दिखा रहे ऊपर में हमें एक एक, एक दिखा रहे लेकिन वो अंदर में और एक है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कपट व्यक्तियों का ना कभी कल्याण नहीं होता है। मुँह से तो अमृत लेकिन अंदर में जहर है अमृत अंदर में उसकी जहर है। तो भैया एक व्यक्ति का संग मत करो जो ऊपर एक बोलते हैं और अंदर में एक। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं अंतरे बाहिरे सम व्यवहार अमानी मान कृष्ण संकीर्तने श्री कृष्ण स्मरणे सतत मजियार। इसलिए कहते हैं बाहर जैसे तुम दिखते हो अंदर में भी ऐसे बने। इसलिए कृष्ण बंसरी को क्यों बजाते हैं बोले बंसरी में दो गुण है पहला गुण उसका अंदर में पोला है खाली उसका अंदर में खाली और दूसरा गुण क्या कृष्ण जैसे चाहते हैं वो आवाज़ वैसे निकलती है आवाज़ उसको वैसे निकलती है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं पशु पक्षी जन्म में रहना सही है लेकिन कपट करना ये एकदम कपट व्यक्तियों का कल्याण होता ही नहीं। और भगवान कहते हैं रामचरितमानस में कृष्ण कहते हैं छल कपट मोह नहीं भावा हमारे को छल कपट अच्छा नहीं लगता है। इसलिए भगवान ने क्या किया ये बगुला को मार इसको बगुला को बकासुर को भगवान ने मारे बोले क्यों बकासुर बगुला देखे हो
वो एक टांग के ऊपर खड़ा बैठा है, एक टांग के ऊपर। इसलिए एक समय राम लक्ष्मण जा रहे थे, देखा एक बगुला को एक टांग के ऊपर खड़ा हुआ। रामचंद्र लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण देखो ये बगुला कितना बड़ा तपस्वी, एक टांग के ऊपर में जैसे ध्यानी एक जगह पर जैसे खड़े रहते ना। लक्ष्मण तो गुरु है, बोले प्रभु जी ये कितने बड़े साधु, ये मछलियों को कुछ लोग बता दें। इसलिए एक टांग ऊपर खड़ा, इसलिए वो मछली को पता नहीं चले, है मछली को पता नहीं चले, मछली आएगा तो बस झट पकड़ी खा लिया। इसलिए भगवान ने क्या किया, बगुला को उन्होंने मार डाला, मतलब कपटता को त्याग देनी चाहिए। जब तक हृदय सरल नहीं होता है ना, सरल व्यक्ति का ही कल्याण है, कपट व्यक्तियों का कभी कल्याण नहीं होता है। इसलिए कहते ये कुटीनाटी है, ये कुटीनाटी कपटता त्याग देनी चाहिए, और कहते जीव हिंसा उसको भी त्याग देनी चाहिए। कहते जीव हिंसा दो तरह का है, कहते पहला नंबर है जीव हिंसा, मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, अंडा प्याज लहसुन मत खाओ। इसलिए जो कली का जो चार जगह है उसमें सबसे ज्यादा जो पाप बताया जीव हिंसा, सारी जितना सारे पाप कहते हैं ये जीव हिंसा सबसे बड़ा पाप। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन जो व्यक्ति ये मांस मछली खाते हैं और मेरी को भक्ति करते हैं ना, जैसे राख में घी डालना बेकार है, इनका भक्ति भी बेकार है। क्योंकि जगत में सब जीव मेरे जीव है, उसको काट कर खाओ और मेरे को प्रणाम करो, भक्ति करो, ये झूठा भक्ति है, ये भक्ति को मैं स्वीकार नहीं करता। पर ये एक तरह का जीव हिंसा। बोले दूसरे जीव हिंसा क्या है, बोले शुद्ध भक्ति प्रचार नहीं करना, ये जीव हिंसा। लोग का मनमानी धर्म बोल करके, अरे जो कुछ खाना खाओ, बंगाल में एक ये है, बंगाल में एक संप्रदाय है, हैं कहते हैं वहाँ पर एक मछली है, इलिश माछ है और मागुर माछ है, अलग अलग मछली, वो बड़ा टेस्ट है। कहते भैया खाओ खूब मागुर माछ है जो हैं, मतलब खूब मछली खाओ और स्व युग त्रिकोल स्त्री संग खूब करो, अरे मुख्य बोलो हरिबोल हरिबोल, एक ऐसे एक संप्रदाय है बंगाल में, एक संप्रदाय है। इसलिए जो कुछ करना करो, और कुछ ऐसे संप्रदाय है जो कुछ करना करो दिन भर करो, और सोने से पहले एक बार भगवान को स्मरण करके सो लो, बस हो गया। साउथ इंडिया में भी ऐसा है, ऐसा है ना, उसको क्या बोलते हैं, कुंड्राल पावम तिंड्राल पोगम, तो थोड़ा राइमिंग है, तो सेम उसको मारो उसको खा लिया तो पाप नष्ट हो जाता है। तो साउथ इंडिया में तमिलनाडु में ये सब देश में ऐसे ही, सब देश में अलग अलग धर्म है। इसलिए जो भगवान की शुद्ध भक्ति की प्रचार नहीं करती, और बंगाल में बोले ये आता चाह रहा है खाने के लिए, क्या करें आता चाह रहा, उनको पता नहीं ये मन क्या और आत्मा क्या, उनको फर्क पता नहीं, बोले आता चाह रहा है, अगर इसको नहीं खाओ तो पाप नहीं लगेगा, वो आता चाह रहा है, आत्मा मांग रहा है खाने के लिए नहीं खाए, उनको पता नहीं ये मन क्या और ये आत्मा क्या, उनको पता ही नहीं। हाँ ये दुष्ट मन कहता है खाओ, हाँ ये आत्मा कभी नहीं चाहता, आत्मा तो परमात्मा अंश है, वो चाहता है केवल उसका भजन भक्ति करे, हैं। इसलिए जो व्यक्ति उसको कहते हैं जीव हिंसा, क्योंकि जीव का स्वरूप भगवान का नित्य दास है, हाँ ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, उसका एक ही धर्म है भगवान की भक्ति करे। जो ये शुद्ध भक्ति प्रचार नहीं करते हुए जो कुछ खाओ पियो है जो कुछ करना सब करो, और ऐसे ही बहुत सारे उल्टा पुल्टा संप्रदाय, इसलिए हमारे 13 अपसंप्रदाय गिनाया, आउल बाउल नेड़ा नेड़ी दरवेशाई सख्ती व्यक्ति कुमार्त जात गोसाई चूड़ाधारी है गौरांग नागरी, ऐसे 13 अपसंप्रदाय नाम गिनाया। तोता बोले यही 13 संग नागरी, और बहुत बड़े संत हुए, कहते भैया अगर तुम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं ना, ये 13 अपसंप्रदाय को त्याग दो, हाँ ये त्याग दो 13 अपसंप्रदाय को, तभी ये शुद्ध भक्ति तुम्हारी हो सकती, नहीं तो भक्ति तुम्हारी नहीं होगी। इसलिए यहाँ पर कहते हैं
जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, शुद्ध भक्ति प्रचार करना है। और क्या बोले, लाभ पूजा प्रतिष्ठा थी जब तो उपसर्गा, कहते लाभ, लाभ मतलब क्या है, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं हमारा जड़ प्रतिष्ठा करने, अपना जड़ प्रतिष्ठा के लिए है। अगर हम करेंगे हमारा कुछ खुश लाभ होगा, हमारी स्त्री पुत्र परिवार जस बढ़ेगा है, जस बढ़ेगा, हमारी इज्जत होगा दुनिया में, हमारे जय जयकार होगा। हम इसलिए भगवान की भक्ति करते हैं, जय जयकार हो किसका हो, भगवान की जय जयकार हो, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का गुण, ठाकुर जी की महिमा जगत में प्रचार हो, हमारी जय जयकार नहीं, किसका जय जयकार हो, गुरु वैष्णव और ठाकुर जी के जय जयकार हो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं सकल महिमा आकर स्थाने स्थापन कर, मतलब है अगर कोई अच्छा काम हुआ तो अगर कोई बुला रहे आप तो इतने बड़े काम कर रहे हैं, ये हमारी कुछ नहीं, ये गुरु जी की कृपा है, ये प्रभुपाद की कृपा, ये ठाकुर जी की कृपा हुआ है, हम साधारण व्यक्ति क्या कर सकते हैं। इसलिए जब गुरु जी विदेश गए थे, हमारे बड़े गुरु जी जब विदेश गए थे, जब उनको चरण को उनका चरण को पूजा करना, आरती उतारना, गुरुदेव को सिंहासन बैठा करके उनका आरती करते, तब गुरु जी कहते थे मैं सोचता था हे गुरुदेव ये पूजा अभी हमें क्यों कर दें, ये कपड़े देख कर, ये कंठे माला देख करके, लेकिन हमें ये चीज़ दिया किसी ने, ये चीज़ हमें गुरु जी ने दिया है, ये चीज़ हमें गुरु जी ने दिया है, कंठी माला तिलक वस्त्र को गुरुदेव ने दिया, इसलिए जो पूजा करते थे गुरुदेव बोलते थे, मैं तो हाथ जोड़ करके अपना गुरु जी को सब कुछ देता था, हे गुरुदेव हम कहाँ संसार में पड़े हुए थे, भटक रहे थे, कहाँ नरक का कीड़े थे, अब कहाँ से नरक का कीड़े से उठा करके हमें कहाँ गरुड़ बना दिया, कौवा से हमें गरुड़ बना दिया, इसमें हमारी कुछ नहीं, आप कृपा करके ये सब सेवा पूजा आप ही स्वीकार करो, ये सब के सब आपका है। इसलिए कभी भी अपना ऊपर नहीं लंकारी, हमने ये किया है ना, अगर हम नहीं करते कैसे हो जाता, नहीं, इसलिए सारे महिमा को आकर स्थान में, मूल स्थान में वो चीज़ें करनी चाहिए, ठाकुर जी कृपा से हो, हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या हिम्मत है, हम क्या कर सकते हैं, जो कुछ हो रहा है गुरु जी की, प्रभुपाद की, ठाकुर जी का ही आशीर्वाद है। इस रूप में भक्तों को स्वीकार करनी चाहिए, अगर सोचने लगे अरे हमने किया है ना, हम नहीं करते तो कौन करता, हमने किया है, बास हो गया, बास फिर तो हो गया, इसलिए कभी हम नहीं करनी चाहिए, सब गुरु जी की प्रभुपाद की महाप्रभु का आशीर्वाद ये करनी चाहिए। इसलिए कहते पूजा, पूजा मतलब जगत में लोग बड़ी जय जयकार होता है, कभी कभी लोग इसी में ही फंस जाते हैं, इसको आगे निकल नहीं पाते, इसको आगे जीव निकल नहीं पाते, वहीं जीव फंस जाते हैं। इसलिए कहते भैया ये चीज़ को धीरे 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 हैं सरकार दो एक तरफ में, और प्रतिष्ठा दी जब तो उपसदा कर, कहते भक्ति करो ना, ये जो प्रतिष्ठा है हैं थोड़ी सी कुछ करो, इसलिए पहले केवल साधन अवस्थाएं बताया क्लेशग्नि सुवधा, मतलब अगर केवल साधन सही सही करो तो पहले अवस्था में ही सारे दुख दूर हो जाता है और जगत बड़ी जय जयकार, सारा दुनिया तुम्हारी ये करने लग जाती है, लेकिन उसको बीच में तुम्हें फंसने नहीं चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने क्या किया, जब मंदिर को साफ कर दिया महाप्रभु ने, पहले धूला को हटाया, फिर कंकड़ को हटाया, फिर पानी देकर साफ किया, फिर वहाँ पर कुछ स्पट रह गया, दाग रह गया, महाप्रभु ने क्या किया, अपना कपड़ा को लेकर के ना उसको घिस 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 करके निकाले, घिस बोले मतलब क्या है, कभी ये जड़ इच्छा कोई हृदय में नहीं जानी चाहिए है, ये जड़ इच्छा कुछ क्या होता है, पर जीव उस चीज में फंस जाता है, पर जीव आगे बढ़ नहीं पाता है, कभी जितने सारे हैं कभी ये सबके से उपसाता है, सही वृक्ष नहीं, अगर इस चीज को अगर नहीं उठाओगे तो फिर क्या हो जाएगी, कहते सेक जल पाया उपसका बढ़ी जाए, स्तब्ध या मूल सका बढ़ित न पाए है, जब पानी दोगे यही उपसका मतलब सही सका नहीं, अगाचा दूसरा दूसरा वृक्ष है क्या होगा, यही धीरे धीरे बढ़ जाएगा और फिर जो मूल वृक्ष है ना स्तब्ध होकर के बस मूल वृक्ष बढ़ नहीं पाता, फिर यही खत्म हो गया। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु साधकों को सावधान करते हैं,
प्रथमय उपसकार करे छदन तबे मूल सका बाजी जाए वृंदावन है। इसलिए कहते प्रथम क्या करनी चाहिए, जो उपसाका मतलब जो दूसरे वृक्षों को काट दो, फिर क्या होगा, तभी जो मूल शाखा जो मूल जो वृक्ष है ना, फिर तो उसको सारे रस उसको ही मिलेगा, फिर धीरे 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 फिर बढ़ते बढ़ते कहाँ चले जाएगा, फिर वो वृंदावन चले जाएगा। कहते प्रेम फल पाकी माली करे आस्वादन, लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाए है। कहते प्रेम फल पाकी पड़े माली आस्वादे, लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाए। फिर तो प्रेम फल क्या होगा, बढ़ते 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 ठाकुर जी के चरण में वृंदावन जाएगा, फिर पहले तो फूल होगा, फिर उसमें फल होगा, फिर पकेगा, बाद ऐसे फल है ना जिसमें गुठली भी नहीं जिसमें छिलका भी नहीं, फिर क्या करेगा, फिर माली बस बैठ बैठ बैठे मीठा मीठा फल खाए है, मीठा मीठा फल खाए है, फिर तो आनंद आस्वादन करे, प्रभु का प्रेम फल का आस्वादन करे। इसलिए लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाए, वो जो लता बढ़ते 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 गया वहाँ पहुँचा, वो माली मतलब जो साधक क्या करेगा, वो लता को अवलंबन करते हुए उसको पकड़ 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 कर कहाँ तक पहुँच जाएगा, बस कल्प वृक्ष तक पहुँच जाएगा, ठाकुर का चरण तक पहुँच जाएगा। ताहा से ही कल्प वृक्ष करे सेवन, सुखे प्रेम फल बस करे रस करे आस्वादन, फिर तो वो प्रेम फल का आस्वादन करते हुए बस आनंद 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 आनंद। कहते वो प्रेम फल कैसे है, बोले यही तो परम फल परम पुरुषार्थ जा रागे तीनों तुल्य चार पुरुषार्थ। कहते वो फल इतने दिव्य फल है, इतने मीठा फल है जिसको सामने हैं तीनों तुल्य चार पुरुषार्थ। चार पुरुषार्थ मतलब धर्म अर्थ काम और भक्ति। कहते वो फल प्राप्त करने पर है कभी जो धर्म अर्थ कमाओ उसको जरा स्वर्ग भोग करो, यहाँ तक भी जो मुक्ति है जो मुक्ति ब्रह्मवाद जो मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं, वो मुक्ति भी जिस भक्ति को सामने तुच्छ हो जाता है। इसलिए बोले कृष्ण प्रेमानंद जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद नवितारे के, मतलब है कृष्ण भक्ति में जो आनंद है जो रस है, कहते करोड़ों ब्रह्मानंद उसको अगर एकत्रित कर लो तो उसका एक बूंद को सामने बराबर नहीं कर सकते। जो कृष्ण भक्ति में इतने आनंद है, बताया विश्व ब्रह्मांड का सारे आनंद को एकत्र कर दो, आपका मन में भी कुछ आनंद, इनके मन में भी आनंद, सबका मन में आनंद, पृथ्वी में जितने जीव है उनके हृदय में जितने आनंद है, तो आनंद को एकत्रित कर लो, वो आनंद को एकत्रित कर लो। कहते भक्ति का आनंद क्या है, भक्ति का आनंद एक समुद्र है, भक्ति का आनंद एक समुद्र है। कहते समुद्र का जैसे एक बूंद पानी लो है, मतलब भक्ति आनंद समुद्र उसका एक बूंद लो, कहते वो एक बूंद को सामने ये पृथ्वी में जितने व्यक्ति उनके हृदय में जो आनंद है अगर उसको एकत्रित कर लोगे ना, वो एक बूंद को सामने भी बराबर नहीं कर सकते। कृष्ण दर्शन इतना आनंद है, इसलिए इतना आनंद, इसलिए कहते हमारे ये शरीर में ना, इसलिए कृष्ण दर्शन होगा ना, इस शरीर हमें ये आनंद को सहन नहीं कर सकता, इसको सहन नहीं कर सकता ये आनंद। एक व्यक्ति था, उसने मैंने सुना जब बहुत गांव में था, पहले लटेर लगाया करते थे, एक रुपया लटेर लगता था, एक रुपया लटेर लगे तो उसका जो पहला प्राइस 1,00,000 रुपये, और वो 1,00,000 रुपया उसमें बहुत पैसा बहुत कीमत होता था। जब हम गाँव में बच्चे थे हैं 50 साल पहले समझो, 50 साल पहले 1,00,000 रुपया बहुत पैसा होता था। उसने एक रिक्शा वाला ने 1 रुपया लगाया लटेरी, और उसको पता चला हमारी लटेरी पहला लटेरी 1,00,000 रुपया, वो छत के ऊपर में खड़ा था, छत के ऊपर में खड़ा था, उसको इतने आनंद आया प्रभु जी वो छत से कूद पड़ा। मतलब एक लाख रुपया की जो गर्मी है ना उसका आनंद को सहन नहीं कर पाएगा, आज खुद ही तो मर गई। इसलिए इस जगत का 1,00,000 रुपया की जो आनंद है और वो तो भगवान की भक्ति प्रेरणा, इसलिए शरीर उसको सहन नहीं कर सकता, फिर भगवान वो आनंद को उपभोक्त करने के लिए एक अलग शरीर देते हैं, जिस शरीर से वो आनंद को तुम आस्वादन कर सकते हो, वो साधारण शरीर नहीं, वो अप्राकृतिक शरीर सेवक उपयोगी शरीर भगवान प्रदान करते हैं।
ठीक है बलबान छागल उतर बस सभी पास इन भगवान नाम पावने को